गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू योर इंग्लिश बुक ऑफ क्लास फोर चैप्टर फाइव है आपका पोएम है चीयरिंग सॉन्ग। चीयरिंग मीन्स क्या होता है? आनंदित या प्रसन्न करने वाले। सॉन्ग मीन्स क्या होगा? गीत। पहली लाइन है व्हेन द ग्रीन फॉरेस्ट चीयर विद योर वॉइस, जब हरे भरे जंगल आपकी आवाज़ से, वॉइस मीन्स क्या होता है? आवाज़, आपकी आवाज़ से प्रसन्न हो जाते हैं। एंड द डिम्पलिंग स्ट्रीम फ्लोज चीयरिंग बाय, और जब मंद जलधारा, डिम्पलिंग मीन्स क्या होगा? मंद, स्ट्रीम मीन्स जलधारा, और जब मंद जलधारा प्रसन्न होती हुई बहती है, फ्लोज मीन्स क्या होता है? बहती है। चीयरिंग बाय, प्रसन्न होती हुई जब मंद जलधारा बहती है। तीसरी लाइन होम द एयर डज चीयर विदाउट मेरी विट, मेरी विट मतलब क्या होता है? चीयरफुल कन्वर्सेशन, आनंददायक बातचीत, और जिसको हवा बिना आनंददायक बातचीत के प्रसन्न करती है, और जिसको हवा चीयर मीन्स यहाँ प्रसन्न करना या आनंदित करना। होम द एयर डज चीयर विदाउट मेरी विट, और जिसको हवा बिना आनंददायक बातचीत के प्रसन्न करती है विदाउट मेरी विट। फोर लाइन है आपका एंड द ग्रीन हिल चीयर्स विद द नॉइज ऑफ इट, और जब हरी भरी पहाड़ी, नॉइज मीन्स क्या होता है? कोलाहल या शोरगुल, अपने कोलाहल या शोरगुल से आनंदित करती है, और हरी भरी पहाड़ी अपने कोलाहल या शोरगुल से आनंदित करती है या प्रसन्न करती है। एंड द ग्रीन हिल चीयर्स विद द नॉइज ऑफ इट, व्हेन द मीडोज चीयर विद द लाइवली ग्रीन, लाइवली ग्रीन मतलब क्या होता है? जीवंत हरे रंग, और जब घास के मैदान, मीडोज का मतलब क्या होता है? घास का मैदान को क्या बोलते हैं? मीडोज बोलते हैं, एम ई ए डी ओ डब्ल्यू एस, और जब घास के मैदान अपने जीवंत हरे रंग से प्रसन्न करते हैं, व्हेन द मीडोज चीयर विद द लाइवली ग्रीन, और जब घास के मैदान अपने जीवंत हरे रंग से प्रसन्न करते हैं। नेक्स्ट, एंड द ग्रासहॉपर चीयर्स इन द मेरी सीन, मेरी सीन का मतलब क्या यहाँ पर है? सुहावना दृश्य, और जब ग्रासहॉपर का मतलब क्या है? टिड्डा या टिड्डा या टिड्डी। एंड द ग्रासहॉपर चीयर्स इन द मेरी सीन, और टिड्डे सुहावने दृश्य में आनंदित करते हैं। सेवन, वेन मैरी एंड सुसन एंड एमिली विद देयर फनी राउंड माउथ लाफ हा हा हा, और जब मैरी, सुसन और एमिली अपने फनी मीन्स क्या होता है? मजाकी, राउंड मीन्स क्या होता है? गोल, माउथ मीन्स क्या होता है? मुंह से हा हा करते हुए हंसते हैं, और जब मैरी, सुसन और एमिली अपने मजाकी गोल मुंह से हा हा करते हुए हंसते हैं, व्हेन मैरी, सुसन एंड एमिली विद देयर फनी राउंड माउथ लाफ हा हा हा। ये आपका रहा हिंदी एक्सप्लेनेशन, आप चैप्टर फाइव का आपका हिंदी एक्सप्लेनेशन रहा। आप अपनी कॉपी खोल लेंगे, कॉपी खोल कर क्या लिखना है? चैप्टर फाइव चीयरिंग सॉन्ग, चैप्टर फाइव चीयरिंग सॉन्ग लिख लेंगे। पेज नंबर आपके बुक का 23 है, जुलाई 21 2020 डेट डालेंगे आप। ए वर्ड्स, फिर बीच में क्या लिखेंगे? प्रोनंसिएशन और मीनिंग इन हिंदी, हिंदी में अर्थ। पहला आपका है चीयर, चीयर मीन्स प्रसन्न करना या आनंदित करना। दूसरा आपका स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन्स क्या होगा? एस टी आर ई ए एम, स्ट्रीम मीन्स जलधारा। तीसरा आपका है मेरी विट, एम ई डबल आर वाई, मेरी डब्ल्यू आई टी विट, मेरी विट जिस सेंस में पोएम में प्रयोग किया गया है उसका मतलब क्या है? आनंददायक बातचीत या चीयरफुल कन्वर्सेशन। फोर आपका है मीडो, एम ई ए डी ओ डब्ल्यू, मीडो मीन्स क्या होता है? घास का मैदान। फाइव आपका क्या है? ग्रासहॉपर, जी आर ए डबल एस एच ओ डबल पी ई आर, ग्रासहॉपर मीन्स क्या होता है? टिड्डी या टिड्डा। सिक्स आपका है लाइवली ग्रीन, लाइवली ग्रीन मतलब क्या हो जाएगा आपका? जीवंत हरा रंग। सेवन आपका है मेरी सीन, एम ई डबल आर वाई, मेरी सीन, एस सी ई एन ई, मेरी सीन मतलब क्या हो जाएगा? मीन्स
सुहावना दृश्य और एक आपका फनी, फनी मीन्स क्या हो जाएगा, मजाकिया। तो आपको यहाँ से यहाँ तक अपनी कॉपी पर बोल बोल कर अच्छी राइटिंग में लिखना है। रुक रहा हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। बी क्या लिखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से आपको रिक्त स्थानों को भरना है, खाली जगहों को भरना है। पहला शब्द क्या है, चिल्ड्रेन, सी एच आई एल डी आर ई एन, ये चाइल्ड का प्लुरल है, बच्चे। हिल मीन्स पहाड़ी, स्ट्रीम जलधारा, ए आई आर एयर हवा, मीडो चरागाह, ग्रास ऊपर टिड्डा या टिड्डी। पहला क्या है, कविता, सैट एट द एज ऑफ द, कविता के किनारे बैठ गई, किसके किनारे बैठ गई, स्ट्रीम जलधारा के किनारे बैठ गई। पहले लाइन में आप क्या भरेंगे, स्ट्रीम। दूसरी लाइन क्या है, कैटल आर ग्रेजिंग इन द, मवेशी गण चर रहे थे, कहाँ चर रहे थे, मीडो चरागाह में, यानी कि पशु या जानवर कहाँ चर रहे थे, मीडो चरागाह में, एम ई ए डी ओ डब्ल्यू, मीडो मीन चरागाह या घास का मैदान। तीसरा ग्रीन, चीयर्स अस विद इट्स नॉइज, ग्रीन ग्रीन हिल, यहाँ आप क्या भरेंगे, हिल एच आई डबल एल, हरी पहाड़ी अपने कोलाहल से अपने शोरगुल से हमें प्रसन्न करती है या आनंदित करती है, यहाँ आप हिल भर लेंगे। और फोर क्या है, द ब्लैंक स्थान खाली है, चीयर्स विदाउट चीयरफुल कन्वर्सेशन, चीयर्स विदाउट चीयरफुल कन्वर्सेशन, बिना आनंददायक बातचीत के हमें प्रसन्न कौन करता है, एयर हवा करती है, आप यहाँ एयर भरेंगे। और बी यहाँ से यहाँ तक पहले आप लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। फाइव है आपका, द ब्लैंक स्थान खाली है, चीयर्स इन मेरी सीन, सुहावने दृश्य में हमको कौन चीयर्स करता है, ग्रास ओपर, जी आर ए डबल एस एच ओ डबल पी ई आर, आप यहाँ ग्रास ओपर भर लेंगे। और आपका सिक्स है, द चिल्ड्रेन, सिक्स क्या है, द स्थान खाली है, लाफ विद देयर फनी राउंड माउथ, अपने मजाकी गोल मुंह से कौन हंसता है, चिल्ड्रेन बच्चे हंसते हैं, यहाँ भर लेंगे सी एच आई एल डी आर ई एन, चिल्ड्रेन। तो आप यहाँ से यहाँ तक फिलअप कर लेंगे। रुक रहा हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। अब आपका सी क्या है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, सही के ट्रू के लिए टी लिखना है और फॉल्स के लिए आपको एफ लिखना है। पहला, द ग्रीन ट्री चीयर विद योर वॉइस, हरे पेड़ चीयर विद योर वॉइस, आपकी आवाज से प्रसन्न होते हैं। ये लाइन आपका क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है आपका, फॉल्स है। द ग्रीन ट्रीज चीयर विद योर वॉइस। दूसरा क्या है, द एयर चीयर्स विदाउट मेरी विट, हवा बिना आनंददायक बातचीत के प्रसन्न करती है, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तीसरा क्या है, द ग्रीन हिल चीयर्स अस विद इट्स नॉइज, हरी भरी पहाड़ी अपने शोरगुल से हमें आनंदित करती है, ये लाइन आपका ट्रू है। फोर, मैरी सुसन एंड एमिली लाफ विद देयर फनी राउंड माउथ, मैरी सुसन और एमिली अपने मजाकिए गोल मुंह से हंसते हैं, ये लाइन आपका ट्रू है। और पांचवा क्या है आपका, द ग्रास ओपर डांसेज इन द मेरी सीन, टिड्डा जो है सुहावने दृश्य में मेरी सीन में नृत्य करता है, नाचता है, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। द ग्रास ओपर डांसेज इन द मेरी सीन,
ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तो आप सी यहाँ से यहाँ तक बिना गलती किए हुए विदाउट कमिटिंग मिस्टेक लिख लेंगे, बोल बोल कर लिखेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, रुक रहा हूँ। अब लिसन टू मी केयरफुली, मेरी बातों को आपको ध्यान से सुनना है। आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है जिसको आपको होमवर्क की कॉपी में करना है जो है वर्ड मीनिंग, इसके बाद फिर इन द ब्लैंक्स और राइट ट्रू एंड फॉल्स, इन तीनों को आपको अपने कॉपी में लिख लेना है, लेकिन राइट करना है, दोबारा रिराइट करना है। इसके पश्चात आपको लर्न करना है, स्पेलिंग पर आपको ध्यान देनी है, हर वर्ड को आपको समझना है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आपका नेक्स्ट टर्म पर। बी हैप्पी एंड बी चेयरफुल, यूज योर टाइम प्रॉपरली एंड ओबे योर पेरेंट्स, अपने समय का सही प्रयोग कीजिए, खुश रहिए और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए। डेट्स ऑल।